हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल लवी। आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बायनेमो की एक नो लॉस स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। यार, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नो लॉस स्ट्रैटेजी के बारे में सुना होगा या जाना होगा, या कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी होगी जिसमें आपको एक टाइटल ज़रूर मिल जाता है, बायनेमो नो लॉस स्ट्रैटेजी या ऑलिम ट्रेड नो लॉस स्ट्रैटेजी। बट वॉट एक्चुअली ट्रुथ बिहाइंड दैम, वो चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार गाइज, वीडियो को ना स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखना। और एक और चीज़ यार, वीडियो पसंद आया ना तो यार एक छोटा सा लाइक कर देना, एक छोटा सा प्यार आप लोग की तरफ से। चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी जो इंटरफेस आप मेरा देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यानी पीसी पे, वो इंटरफेस है बायनेमो का वेब इंटरफेस। तो यहाँ पे रियल अकाउंट में आप देख पा रहे हैं जो बैलेंस है वो है 3,335 रुपीज़। तो यार ये मेरा अकाउंट नहीं है, एक्चुअली हमारे किसी सब्सक्राइबर का अकाउंट है। उन्होंने अलाउ किया था, परमिशन दी थी कि उनके अकाउंट को यूज़ किया जाए, तो डेफिनेटली उन्हीं के अकाउंट को हम अभी यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। आज हम जो बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, वो होगी हमारी ऑसम एक्सीलेटर प्लस बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी। लेकिन यार उससे पहले एक जो चीज़ है, एक स्टेटमेंट है, उसको मैं बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में आपको बता देता हूँ। यार आपने बहुत जगह सुना होगा कि एक नो लॉस स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे आपको कभी भी लॉस नहीं होता है। बट यार सीरियसली एक बात बताऊँ आप लोगों को, बाइनरी ट्रेडिंग में होना, आप तो आप कितने भी एक्सपर्ट हो, कितना भी बड़े से बड़े ट्रेडर हो, आपको किसी ना किसी केस में लॉस ज़रूर होता है। यहाँ पे कोई भी एक ऐसी कंडीशन नहीं होती है जहाँ पे आपको लॉस ना हो। डेफिनेटली आप अगर 10 ट्रेड कॉन्टीन्यूसली जीत जाते हैं तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पे आप कॉन्टीन्यूसली 8 ट्रेड हारेंगे भी सेम स्ट्रैटेजी को लेके। बट यार वो रहता है मार्केट की स्टेबिलिटी पे, या किस तरीके से आप जो है आपकी एबिलिटी है ग्राफ को रीड करने की। तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो एग्जैक्टली वहाँ पे आपको लॉस जो होगा वो थोड़ा कम होगा, अगर आप अच्छे से मनी को अपने मैनेज कर पाते हैं। या फिर मैं जो कहूँ, इस स्ट्रैटेजी को आप 2 या 3 अच्छे से आर्टिकल पे फॉलो करोगे तो आपको जो है लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे नो लॉस का जो टाइटल है वो जस्टिफाई नहीं होता है। रीज़न उसका यही है बताने का कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जहाँ पे आपको नो लॉस की गारंटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी आप देख पा रहे हैं अप्लाई कर रखी है, ये मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने चार्ट पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता रहा हूँ कि दोस्तों यार, जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो ना, तो अगर आप मेरे चैनल पे हो, जुड़े हुए हो, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो, तो मैं आपको हमेशा से एक चीज़ में, हमें हमेशा से कोशिश करता हूँ कि अनेबल करने की आप लोगों को, कि आप खुद से ट्रेड लो। हमेशा से मेरी कोशिश यही रहती है, ना कि आप मुझे फॉलो करो, आप धीरे 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 कोशिश करके खुद अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ। आपने जितनी भी वीडियोज़ मेरी देखी होंगी प्लेलिस्ट में, ट्रेडिंग के नाम से मिलेंगी आपको, अगर आपने जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ वाली वीडियो देखी होंगी, वो सारी स्ट्रैटेजीज मैं सीरियसली बता रहा हूँ गाइज, यहाँ पे कोई चीज़ ना ट्रांसपेरेंसी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा हूँ, जो जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज़ मैंने ओन चेक की हैं एंड काफ़ी टाइम की रिसर्च थी वो। तो वैसे ही जो स्ट्रैटेजीज़ होती है ना, उसमें काफ़ी सारे जो चेंजेस होते हैं वो सारे मैं ओन जो है वो चेक करके आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो डायरेक्टली मैंने आपको ऐसे ही बता दी, यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारी चीज़ें लगती है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, वो आप खुद कर सकते हो इन योर पीसी, इन योर लैपटॉप, बाय योर ब्रेन, अप्लाई करके अपने ब्रेन को ये सारी चीज़ें आप खुद चीज़ें कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट मी ओनली, एवरीबडी कैन डू दैट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बॉलिंजर बैंड, तो यहाँ पे सब सिंपली आपको इंटरफेस पे जाना है। बॉलिंजर बैंड का जो है क्लोज, यहाँ पे 20 क्लोज 2 सिंपल, यानी आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, सिंपली आपको इसे अप्लाई कर देना है। ऑसम ऑक्सीलेटर के में भी आपको कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करने हैं। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से वर्क करता है एग्जैक्टली आपको अभी समझ आ जाएगा। देखेंगे गाइज, ये क्लाउड सा बन गया है, और इस क्लाउड के यहाँ पे देखो, इस क्लाउड के अंदर ही जो है वो रहने वाला है। ऑलमोस्ट ना 90% केसेस ऐसा रहता है जिसमें क्लाउड के जो अंदर पूरा चार्ट है, कैंडल्स हैं, वो बनते हैं। हल्के हल्के अगर बाहर जाने भी लग जाए क्लाउड के,
तो उस कंडीशन में आपको ट्रेड जो है वो नहीं प्लेस करनी है, ध्यान देना है। नो लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको उस कंडीशन में ट्रेड नहीं प्लेस करनी है। अब मैंने यहाँ पे देखो अमाउंट 70 जो है रख रखा है, टाइमिंग मैं सेलेक्ट करूँगा 2 मिनट्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स की मैं टाइमिंग सेलेक्ट करूँगा। अब इसको समझना किस तरीके से है, आपको ये देखना है अगर ये ग्राफ के नीचे टच करता है तो आपको बिना सोचे समझे ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लेनी है, आपको ऑसम एक्सीलेटर को भी थोड़ा सा जज कर लेना है, चेक कर लेना है। देखो इस लाइन के नीचे अभी तक कोई कैंडल नहीं बनी है तो हम वेट करेंगे। एक यहाँ पे देखो सबसे, अभी देखो यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो इसके लगभग लगभग इक्वल है, बट अगर मैं देखा जाए तो हल्की सी छोटी बनी है, हल्की सी कैंडल छोटी बनी है, तो इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो अभी हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन होगी या रेड होगी या फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ वाइज बात की जाए तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसको इसके इक्वल बनना था या फिर थोड़ा सा बड़ा बनना था। अगर छोटी बनती है तो इसका मतलब कुछ चीज़ें फिक्स नहीं है यहाँ पे फिलहाल, तो हम जाएंगे किसी और करेंसी पे एंड सेम स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई करेंगे अलग करेंसी पे भी और देखते हैं क्या रिजल्ट जो है वो रहते हैं। अब देखो ये जो करेंसी है यहाँ पे ये जो स्केल है वो इस तरीके से लगाया गया था, देखते हैं अभी इसको मैं थोड़ा सा जूम करके अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो लाइन है ना, अगर इसके ऊपर जा रही है ना करेंसी, मतलब ये, तो इसका मतलब जो है, अब देखो नेक्स्ट जो बनी है वो भी ग्रीन कलर की बनी है, स्ट्रेंथ जो है इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे मुझे जो है ग्रीन कलर की है तो मैं नेक्स्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी चाहिए अगले 2 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 मिनट्स कर दिए है, ट्रेड जो है वो डायरेक्शन रख ली है अपवर्ड, इन्वेस्टमेंट रखी है 70 रुपीज़। देखो दोस्तों अब यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड भी आप डेफिनेटली ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, 1 मिनट की भी आप ले सकते हो और यहाँ पे आप 2 मिनट की भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जब आप इसे वर्कआउट करोगे स्ट्रैटेजी को तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम ना मार्केट जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है आपकी स्ट्रैटेजीज पे, आप जो स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर रहे हैं एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर वर्कआउट होती है दैट्स गुड दैट्स बेटर, अगर नहीं होती है तो आपका जो आप किस तरीके से उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, ग्राफ में चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेटजीज में चेंजेस कर सकते हैं, वो आपके उस टाइम पे साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा एट दैट टाइम। अब देखो 1 मिनट की, अब यहाँ पे देखो सडनली जो है रेड कलर की कैंडल आपको दिखी है जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो पिछली ग्रीन कलर की कैंडल से हल्की सी कम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो यहाँ पे इस ये जो ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रही है इस लाइन से एग्जैक्टली ये नीचे है, तो इसलिए हम जो है ये ट्रेड हारे हैं, क्योंकि हम जो है हमें 2 मिनट की ट्रेड हमने डेफिनेटली ली लेकिन हमारा जो अंदाज़ा था जो ग्रीन कलर का जो नेक्स्ट कैंडल होगी और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इससे ज़्यादा होगी वो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, तो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको 150 रुपीज़ कर देते हैं ताकि जो प्रॉफिट हो वो इस तरह इतना हो जाए कि जो लॉस है वो डेफिनेटली रिकवर हो जाए। लेकिन अभी ये करेंसी ठीक नहीं चल रही अकॉर्डिंग टू माई प्रडिक्शंस, तो अब जाते हैं यहाँ पे और इसमें देखते हैं स्ट्रेंथ वाइज क्या एग्जैक्टली हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, हर एक ग्रीन कैंडल की स्ट्रेंथ जो है वो वीक हुई है एग्जैक्टली। यहाँ से देखोगे तो ग्रीन कैंडल ज़रूर बनी है लेकिन यहाँ पे देखो सारा मार्केट अनस्टेबल रहा था, प्रिडिक्शन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि किस तरीके से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। अब सेम कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होती है, मुझे लगता है अगर हम 2 मिनट की ट्रेड लें अपवर्ड डायरेक्शन में तो डेफिनेटली विन करेंगे। द कंडीशंस आ लाइक मुझे ऐसा लगता है, अगर देखो यहाँ पे कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल कोई भी रेड कलर की कैंडल अभी तक यहाँ पे नहीं बनी है, ठीक है, तो अगर नहीं बनती है रेड कलर की कैंडल, देखो यहाँ पे हल्की सी थोड़ी बनना स्टार्ट हुई है लेकिन अगर ये नहीं बनती है रेड कलर की कैंडल जो अभी पिछली कंडीशंस अभी अप्लाई हो रही है उसी कंडीशंस में होगी तो डेफिनेटली हमें 2 मिनट के लिए ये जो ट्रेड है वो विन करनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे जो टाइमिंग है वो यहाँ पे देखते हैं 2 मिनट की मैं सेट कर देता हूँ और जो ट्रेड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हम लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे लिटिल वेट एंड जो ट्रेड है वो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में सेट कर दी है 150 रुपीज़ की, टाइमिंग ऑलमोस्ट 2 मिनट्स है, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स वी कैन से दैट, क्योंकि अभी 3:59 यानी हाँ लगभग 2 मिनट की टाइमिंग है। सो गाइज इस तरीके से ना आपको एग्जैक्टली चेक करना है मार्केट की स्ट्रैटेजी को और मार्केट को। देखो यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड भी आप ले सकते हो, द डायरेक्शंस जो भी डायरेक्शन आप चूज़ करो, बट 2 मिनट की अगर आपको ट्रेड लेनी है ना तो, और अगर आपको स्ट्रैटेजी यही रखनी है तो आपको क्या चीज़ें चेक करनी है वो, अगर ये थोड़ी ना वीडियो कॉम्प्लिकेटेड आपको ज़रूर लग रही होगी क्योंकि इतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है
ये जो स्ट्रेटजी है उसको समझना। यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं चेक करना कि कैंडल जो है वो रेड की बनी है, ग्रीन की बनी है, या फिर इसके सिर्फ अंदर है। आपको जो ये जो स्ट्रेटजी है उसको समझने के लिए कैंडल्स की स्ट्रेंथ पे वर्कआउट करना ज़रूरी है। स्ट्रेंथ और प्राइस रेंज, काफ़ी सारी चीज़ें। प्राइस रेंज का मैंने शब्द ज़रूर यूज़ किया है, लेकिन अभी इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन अगर प्राइस रेंज को अभी हटा के बात करते हैं, तो यहाँ पर कैंडल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना उसका कि नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल से, यानी यहाँ पे देखोगे ऑसम एक्सीलेटर का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छा है, अच्छा इंडिकेटर है। लेकिन अगर आप इसकी स्ट्रेंथ को समझ जाओ ना, आप समझ जाओ कि ये देखो पिछले कैंडल से किस तरीके से ये चेंज हो रहा है बिहेवियर इसका, तो ये अच्छे से वर्कआउट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं MACD और बोलिंजर बैंड प्लस ऑसम एक्सीलेटर, तो भी ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन इस पर अभी वर्कआउट चल रहा है, काम चल रहा है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं एज सून एज पॉसिबल आपके लिए इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अभी जो है बॉलिंजर बैंड प्लस ऑसम एक्सीलेटर की स्ट्रैटेजी भी काफ़ी अच्छी वर्कआउट हो रही है। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी वर्क कर रही है स्ट्रैटेजी, 2 मिनट के लिए भी वर्क कर रही है। कुछ लोग मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि सर यहाँ पे हम 1 मिनट रखें टाइमिंग या 2 मिनट रखें, तो यहाँ पे आपकी डिपेंड करेगा एट दैट टाइम ना, जब आप ये ट्रेड ले रहे हो तो उस टाइम पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है आपकी कैंडल्स को, या आप किस तरीके से रीड कर पा रहे हो, आपकी माइंड एबिलिटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। आप देखो 9 सेकेंड्स बचे हैं और काफ़ी नीचे आ गया ये, और देखते हैं अगर 4 सेकेंड में अगर ये थोड़ा सा और नीचे गया तो यहाँ पर हम हार भी सकते। एग्जैक्टली पता नहीं, अब ये नीचे चला गया, देखते हैं क्या है अभी, पता नहीं, कुछ कंडीशंस कुछ समझ नहीं आया। तो यहाँ पे रिटर्न हो गया जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, हल्का सा एट द टाइम लास्ट मोमेंट पे वो नीचे चला गया, मतलब एग्जैक्टली आ गया, तो कि होता ही है। तो कंडीशंस बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं और कंडीशंस के साथ स्ट्रैटेजी भी वेरी करती है, और वो डिपेंड करता है किस तरीके से आप जो है वो कंडीशंस के साथ चेंज हों, ठीक है। अगर आपके कंडीशंस इस हिसाब से है कि अगर आपको 1 मिनट की ट्रेड बेटर लगती है या फिर रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, तो आपको उसी के साथ जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 2 मिनट्स इज़ बेटर देन 1 मिनट एट दैट टाइम एक्चुअली, सो आपको उस हिसाब से चीज़ें जो है वर्कआउट होती हुई दिखेंगी और करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब कुछ कंडीशंस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रेड कलर की कैंडल्स बिल्कुल बिल्कुल डाउन एकदम टच हो गए हैं यहाँ पे। अगर अगर यहाँ से नीचे नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ बनती है तो भाई फिर तो डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और 1 मिनट के लिए हम जो ट्रेड है वो लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखेंगे हल्की सी ग्रीन कलर की कैंडल ज़रूर बनती हुई दिखी है, बट मेरे अंदाजे के हिसाब से अब जो है मार्केट रेड ही दिखने वाला है आपको काफ़ी टाइम तक। मतलब अभी देखो यहाँ तक नीचे, यहाँ तक तो टच ज़रूर आएगा मार्केट, इतना नीचे तो आपको आता हुआ ज़रूर दिखेगा अगले कुछ टाइम में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रीन रेड कलर की कैंडल एक ज़रूर बनी है, हमारी इन्वेस्टमेंट $150 ही रहेगी फिलहाल तक, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली देखते हैं, अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं नेक्स्ट कैंडल का क्या रिएक्शन रहता है, और नेक्स्ट कैंडल तो रेड ही मेरे हिसाब से बनेगी, बट फिर भी देखते हैं क्या है। यहाँ पे MACD को यूज़ करते करते उसकी हैबिट हो गई है थोड़ा सा। ऑसम एक्सीलेटर किस तरीके से अभी नेक्स्ट कैंडल हमें देता है, कांट से दैट, अभी तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिला है फ्रॉम मार्केट या फ्रॉम दिस इंडिकेटर, फ्रॉम नथिंग, अभी कोई भी इंडिकेशन हमें नहीं मिला है किसी भी तरीके का। बट लेट्स सी, हम थोड़ा सा और वेट करेंगे और बेटर ऑप्शंस पे जाएंगे। तो नो लॉस स्ट्रेटजी, अभी देखो रेड कलर की लाइन आपको दिखी है, हल्की सी लाइन है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो दोनों स्ट्रेंथ में इक्वल है। लास्ट वाली कैंडल की बात करें तो ग्रीन कलर की बनी थी, और अभी की बात करें तो ये दोनों की दोनों रेड है, स्ट्रेंथ में इक्वल है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्रीन की भी बन सकती है यहाँ पे कैंडल्स। तो यहाँ पे इस कंडीशंस में, ऐसी कंडीशंस में वेट करना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। एक अच्छे ट्रेडर जो है बहुत सक्सेसफुल है, उन्होंने यही कहा है कि यार टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग मैटर्स, टाइमिंग जो है वो मैटर करती है ट्रेडिंग के अंदर। एक ट्रेड लो पूरे दिन के, बट अगर वो अच्छी सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो रेड कलर का थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है, रेड कलर की कैंडल आपको देखने को मिली है। पीछे का पैटर्न देख रहे हो आप, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ठीक है। लेट्स सी कि क्या होता है, और जो पैटर्न है उसको देखते हुए यही लग रहा है। देखो नेक्स्ट कैंडल भी रेड की बनी है, और अगर हम 2 मिनट की ट्रेड लें
एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या एक मिनट की अभी लेना सही मेरे को लगता है कि रहेगा, तो मैंने एक मिनट की जो ट्रेड है वो प्लेस कर दी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो है 150 इंडियन रुपीज़, यानी इंडियन करेंसी में 150 रुपीज़ जो है हमने सेट कर दिया है। डायरेक्शन जो है हमारा वो डाउनवर्ड मैंने रखा है, सेट किया है, और कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि, लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो अभी कैंडल हमारे पास है, लेटेस्ट कैंडल है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रीवियस दो कैंडल्स की स्ट्रेंथ से हल्की सी ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो हल्की सी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे हम हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग जो है मुझे जहाँ तक लगा एक मिनट का, तो मैंने यहाँ पे एक मिनट सेट किया। आप यहाँ पे दो मिनट भी डेफिनेटली कर सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लगभग लगभग, हाँ बिल्कुल, ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो बहुत ऊपर चली गई है, द स्ट्रैटेजी इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ, वन मिनट इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हम जो है लगभग 170 यानी 150 प्लस 70, तो अब जो है नेक्स्ट ट्रेड हम लेंगे 300 रुपीज़ के। दो जो है ट्रेड हम हार गए हैं। अब द कंडीशंस की बात करें तो स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग फाइन, स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत अच्छे से वर्कआउट हो रहा है। या द थिंग इज़ मार्केट इज़ नॉट सपोर्टिंग टू अस। मैंने आपको कहा था जब मार्केट जो है वो सपोर्ट ना करें तो उस कंडीशंस में थोड़ी सी सिचुएशन वेरी हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अभी दो ही करेंसी पे हम ट्रेड ले रहे हैं और दोनों ही करेंसी पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो एग्जैक्टली कान से एनीथिंग कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसने देखो इसको क्रॉस कर दिया है। हम उस पॉइंट का ज़रूर वेट कर सकते हैं इस करेंसी में जब वहाँ से जो है नीचे आना स्टार्ट होगा, लेकिन अभी हम एक या दो या तीन मिनट के लिए कोई श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो अगर हम अगले, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अगर हम अगले 3-4 मिनट की ट्रेड ले, ठीक है, तो हम ज़रूर हम एक चीज़ का प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट जो है डाउन डायरेक्शन में रहेगा अगर 3 या 4 मिनट के लिए जाए तो। बट उसके लिए भी श्योरिटी फ़िलहाल जो नहीं है, द रीज़न कि मार्केट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी, इस स्ट्रैटेजी को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये टाइमिंग जो है वो शायद इस तरीके की है अभी वीडियो बनाने की या फिर आप लोगों को दिखाने की, लेकिन द स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग वेरी फाइन। आपको चीज़ को ज़रूर बताना चाहूँगा, द स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग वेरी फाइन, जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। द थिंग इज़ कि आपको उस टाइम पर जो है नहीं लेनी है ट्रेड जहाँ पे ये मार्केट जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। एंड द सेकंड थिंग इज़ टुडे इज़ द फ्राइडे, आज जो है वो फ्राइडे है, एंड फ्राइडे को आपको पता है मार्केट जो है थोड़ा सा अनस्टेबल स्टेट में रहता है, तो ये वाला रीज़न भी ज़रूर यहाँ पे जो है इम्पैक्ट डालता है आज की जो वीडियो है उस पर। दो ट्रेड हमने ली हैं, लाइक कॉन्टीन्यूसली तीन ली हैं, बट एक तो ड्रॉ में, एंड दो ट्रेड हमने ली हैं जो लॉस किया है। बट दो ट्रेड लॉस करना इज़ नॉट अ बिग डील, मैंने आपको हमेशा से कहता हुआ आया हूँ, दो ट्रेड जो है वो लॉस करना इज़ नॉट अ बिग डील। तो लेकिन द जो डील है, जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, वो यहाँ पे वेरी करता है। अगर आप ट्रेड विन हारते जाओ और वो प्रॉफिट में नहीं लैंड करते, तो वो चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट नॉट एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर 2 मिनट्स या 2 मिनट की यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं हर ऊपर की तरफ। ठीक है, हम लगा सकते हैं 2 मिनट के लिए। देखो श्योर मैं नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ श्योर, क्योंकि यहाँ पे ऊपर का जो ग्री इस लाइन को जरूर टच कर गया है, लेकिन यार नीचे से अगर आप देखोगे ऑसम एक्सेलेटर को तो यार ये तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा और वेट करेंगे, अगर थोड़ा सी श्योरिटी और मिलती है देन विल गो फॉर द सेम डायरेक्शन, अगर नहीं मिलती सो आपको बस एक ही चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अभी फ़िलहाल फ्राइडे है और मार्केट जो है थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो वी शुड स्टॉप, बट स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग वेरी फाइन। अगर आप अदर डेज़ की बात करो तो ऑलरेडी बैक एंड भी टेस्टिंग की गई है यार, बहुत अच्छे से वर्कआउट हो रही है। स्ट्रैटेजी ज़रूर यूज़ करके देखना, एक बार तो आप ज़रूर यूज़ करके देना, देखना इस स्ट्रैटेजी को, रिजल्ट आपको ज़रूर अच्छे से अच्छे मिलेंगे। विदाउट रिजल्ट यार आप जो कमेंट है ना, कमेंट सेक्शन में कुछ मत कहना विदाउट रिजल्ट। अब तीसरी ट्रेड हम ज़रूर लेंगे और वो मुझे लगता है हम विनिंग ही लेंगे, तो नेक्स्ट ट्रेड हम ज़रूर लेंगे और वो भी अच्छी खासी कंडीशन में, बट एक नई कैंडल जो है वो बनती है उसकी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है, विल वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल। वीडियो जो है यार 18 मिनट की ऑलमोस्ट बन चुकी है, एंड अगर आप अभी तक देख रहे हैं यार पेशेंस आपके अंदर, आपने वीडियो नहीं बंद की है तो यार थैंक यू सो मच, हैशटैग टेक्निकल अभी यार कमेंट में ज़रूर यूज़ करना ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपने जो वीडियो है वो अभी तक देखी है। तो यार अभी नेक्स्ट जो ऑसम एक्सीलेटर में हमें नेक्स्ट एक कैंडल जो दिखेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या करना चाहिए एक्चुअली। स्ट्रेंथ भी देखेंगे, अभी स्ट्रेंथ देखेंगे तो पिछली से ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी बनी है,
ठीक है, तो यार फिर तो क्लियर इंडिकेशन है फ्रॉम ऑसम एक्सीलेटर की मार्केट जो है थोड़ी देर के लिए ऊपर ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कुछ अलग सिनेरियो चल रहा है। देखो पिछली जो है वो रेड बनी थी छोटी, अभी जो है वो भी रेड बनी है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी हल्की सी छोटी है फ्रॉम पिछली से। तो यार कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे देखो हमारे जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से ठीक मार्केट जो है ऊपर रहना चाहिए, बट फिलहाल नहीं रह रहा है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। आई होप 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट का और वेट करेंगे, देन विल गो फॉर ट्रेड। हम ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाएंगे फॉर 1 मिनट। अभी देखो कुछ कहा नहीं जा सकता। हम जिस डायरेक्शन में चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में हमें इंडिकेशंस तो मिल रहे हैं, लेकिन अब इस वाली स्ट्रेटजी को देखोगे तो यहाँ के इसके हिसाब से हमें स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट भी ग्रीन बना है, स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्यों वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कांट से दैट वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये मार्केट जो है ऊपर जाएगा। देखो फिर भी थोड़ा सा ऊपर गया है अभी। अब हम जाते हैं यूरो जेबीपी पे, थोड़ा ये भी देख लेते हैं ये भी क्या चल रहा है इसका सिनेरियो। नहीं इससे तो फिलहाल वही अच्छा चल रहा है, यूरो यूएसडी। तो यहाँ पे देखो अभी पिछली कैंडल तो बिल्कुल कुछ बना ही नहीं। अब नेक्स्ट कैंडल जो है इस पे देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा 1 मिनट का जो वेट है वो करके हम जो है नेक्स्ट ट्रेड जो है वो प्लेस करेंगे, और सर के अकाउंट में जो प्रॉफिट जितना था पहले अमाउंट उतना करके अगर जीत जाते हैं तो, और जितना जो ज़्यादा तो लॉस हुआ भी नहीं अभी तक, 200 रुपये का लगभग लॉस हुआ होगा। आई थिंक 220 रुपीज़ का लॉस हुआ होगा। अगर हम ये जीत जाते हैं तो उनको 30 रुपीज़ का प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक है, अगर हम ये जो ट्रेड है वो जीत जाते हैं तो। अगर हार जाते हैं तो इनको लॉस हो जाएगा टोटल 220 520 रुपीज़ का, क्योंकि बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि ये जो ट्रेड है वो हम ना हारें। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो मैंने जो है 2 मिनट की ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ प्लेस हुई नहीं, वो मैंने प्लेस कर दी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अमाउंट जो है हमने जो सेट की है वो की है 300 रुपीज़, ठीक है। एक्चुअली यार एक चीज़ आपने देखी, जब भी ट्रेड लेता हूँ ना मैं, तो बायनमो में ट्रेड लेता हूँ और जो ओलिम ट्रेड में आईक्यू ऑप्शन में, दीज आर दी ऑप्शंस जहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। द थिंग इज़ जब बाइनरी में जब जब भी ओलिम ट्रेड के अलावा अगर आईक्यू ऑप्शन में या फिर बाइनम में ट्रेड लेता हूँ ना, तो आई डोंट नो मार्केट जो है वो क्यों नहीं सपोर्ट करता है। अदरवाइज़ जो ओलिम ट्रेड है वहाँ पे जो है मार्केट काफ़ी अच्छे कंडीशंस में रहता है जब हम ट्रेड लेते हैं, बट एट आफ्टर दैट अगर उसको छोड़ें तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ आई डोंट नो, तब ही वो चीज़ें ना सपोर्ट नहीं होती हैं, वो चीज़ें साथ में नहीं होती हैं जब हम ट्रेड लेते हैं तो, ठीक है। तो मतलब इसको हम हार्ड लक बोल सकते हैं, बैड लक बोल सकते हैं, कुछ भी, बट ऐसा होता ज़रूर है क्योंकि हम इंडियंस हैं यार, हम बिलीव करते हैं इन सारी चीज़ों पे। लेकिन जब भी ओलंपिक में ट्रेड लेते हैं वो सारी चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में जाती हैं और हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो वर्कआउट करती हैं। यहाँ पर ना कोई डाउट वाला केस नहीं है, सारी चीज़ें वर्किंग फाइन। द थिंग इज़ यहाँ पे डाउट इसीलिए है क्योंकि मैं इसीलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा जब मैं ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे ये होता है ना कि स्ट्रेटजी जो है वो सारी वर्कआउट कर जाती हैं, बट यहाँ पे ही इस स्टेज पे स्ट्रेटजी जो है वो वर्क नहीं करती है। जब हम ओलिम में आते हैं या जब हम बायनो में आते हैं या उसमें आते हैं, तो उसका रीज़न और कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मार्केट जो है, मैं आपको जैसे एक एक हंसी का एक जोक जैसा है कि जब मार्केट जो है वो अच्छी कंडीशंस में नहीं होता है जब हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो, यानी वीडियो बनाता हूँ तो मार्केट जो है उसकी कंडीशंस अच्छी नहीं होती है तो हम हार जाते हैं उन इन दैट केस, ठीक है। तो हमारा जो है हल्का सा लॉस हो जाता है। देखो यहाँ पे हमारा जो है 300 रुपीज़ जो है वो वापस रिफंड आ गया है यार, 1 सेकेंड अगर लेट ट्रेड ली होती तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट आ जाता। तो दैट केस अभी देखो कितनी सारी ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है, 2 तो हमारी ड्रॉ हो गई हैं, 2 लॉस हुई हैं, ठीक है। अब हम 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हमारी जो अमाउंट है वो रहने वाली है सेम, लेकिन यार 1 मिनट के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। विल वेट फॉर, अब थोड़ा सा और वेट करेंगे यहाँ के लिए नेक्स्ट कैंडल के लिए, एंड देन विल गो फॉर। अगर स्ट्रैटेजी की बात करूँ ना दोस्तों, तो स्ट्रैटेजी जो है वो वर्किंग वेरी फाइन, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, लेकिन जो मार्केट कंडीशंस हैं, यानी आज फ्राइडे भी है एंड देन और कुछ चीज़ें ये कि थोड़ा सा ना मार्केट जो है स्टेबल नहीं लग रहा मुझे, यानी कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं, इंडिकेटर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात मैं ये कहूँ तो, स्ट्रैटेजीज को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए जो है कंडीशंस कुछ अलग वेरी कर रही हैं। बट नेक्स्ट कभी
और किसी दिन मैं ज़रूर इस पे आपको एक वीडियो बना के सेपरेटली दिखाने वाला हूँ। और ओहो, गलती से यहाँ तक आई थिंक थोड़ा सा नेट स्लो है, और इस वजह से जो है थोड़ा सा जो है ट्रेड जो है जहाँ पे प्लेस करनी थी उसे हल्का सा 1-1.5 सेकंड मेरे से लेट प्लेस हो गई। तो मैं जो कह रहा था दोस्तों कि ये यहाँ पे जो हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली मैं आपको ये जो स्ट्रैटेजी है इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से एग्जैक्टली करके आपको दिखाने वाला हूँ, एक और डेमोन्स्ट्रेशन के साथ अच्छे से इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा, और वर्किंग के साथ किसी एक ऐसे दिन जिस दिन मार्केट जो है वो स्टेबल हो और सर के अकाउंट से ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि सर के अकाउंट से 500 रुपीज़ का लगभग लगभग आज जो है वो लॉस हो जाएगा अगर हम ये ट्रेड नहीं जीतेंगे। तो सर के अकाउंट से ही करेंगे। एंड अच्छा यार दोस्तों, गलती से मुझे लगता है एक चीज़ हो गई है, हमसे दो ट्रेड जो है वो प्लेस हो गई है सेम डायरेक्शन में। गलती से एक ट्रेड जो है वो प्लेस करनी थी, बट यहाँ पे हमसे ना दो ट्रेड जो है वो प्लेस हो गई है, और हमारी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की या छोटी सी गलती की वजह से सर को जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। तो अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि हम जो है ट्रेड तो विन कर गए हैं और हमारी जो डायरेक्शंस हैं, इंडिकेटर्स जो हैं, देखो सपोर्ट कर गया है, इन दी एंड हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था 3,200 कुछ था, तो गलती से हुआ क्या कि जब ये 300 रुपीज़ की ट्रेड जो है वो प्लेस करनी थी, तो मैंने गलती से इस रेड बटन को एक बार प्रेस किया हल्का, यानी नेट वीक होने की वजह से वो एक बार प्लेस हुई, फिर वो पता नहीं लगा, बट नेक्स्ट बार मैंने गलती से एक बार और क्लिक कर दिया तो वो दो बार प्लेस हो गई, और हमारा गुड लक कि हम वो जीत गए। तो फिर जो है प्रॉफिट इनको 600 रुपीज़ पे हुआ, यानी लगभग 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ इन्हें, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अभी जो है फिलहाल जो है अब बहुत अच्छी कंडीशंस के साथ हम इनके अकाउंट में प्रॉफिट लेके आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और मैं इसको अच्छे से स्टडी स्टडी करके आपको वापस में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पे हम मार्केट को और थोड़ा स्टडी स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो है मार्केट की कंडीशंस को समझ के यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर आज की बात की जाए, अगर अभी की बात की जाए, तो हम अभी प्रॉफिट में हैं, और जो है इन दी एंड हमें प्रॉफिट में ही लैंड करना। अगर हम 300 रुपीज़ 300 रुपये की भी ट्रेड लेते, अगर हम डबल भी नहीं क्लिक होता तो भी हम आज प्रॉफिट में होते। तो डेफिनेटली अभी हम प्रॉफिट में हैं एंड वी हैव टू स्टॉप हियर। यही चीज़ हमें समझनी होती है जब आप अकेले ट्रेड लेते हो ना, तो सबसे जो चीज़ होती है समझने वाली वो यही होती है कि वेन वी शुड स्टॉप ना, तो नाउ वी शुड स्टॉप हियर। आपको यही समझना होता है कि आपको कब रुकना है आपके प्रॉफिट के साथ, तो अभी आपको रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट अच्छा रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर आप अकेले ट्रेड लेते हो तो आप ये जज नहीं कर पाते हो कि आपको कब स्टॉप होना चाहिए, और दैट टाइम यू लॉस योर ऑल मनी, आप वहाँ पे अपना सारा पैसा जो है वो खो देते हो। एक टाइम आपको ज़रूर बेल बजती है, एक स्विच होता है, एक चीज़ आपके दिमाग में आती है, एक बल्ब जलता है भाई कि यहाँ पे वी शुड स्टॉप। बट जहाँ पे अगर आप नहीं होते तो बहुत चीज़ें जो आपके हाथ से निकलने लग जाती हैं, लगातार अगर 7-8 ट्रेड आप हार जाते हो एट दैट टाइम। मैं वही चीज़ आपको कहता हूँ, जब मार्केट की कंडीशंस अच्छी ना हो तब आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो ट्रेड उस कंडीशंस में लो जहाँ पे आपका आपको पता है कि आप अपना जो प्रॉफिट है उसको लेके आप रुक जाओगे। अगर आपको लगता है कि आप अपना सारा पैसा वहाँ पे गंवा दोगे, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो यू शुड नॉट एंटर एनी काइंड ऑफ ट्रेड, और यू शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड। ठीक है, सो गाइस यार हम यहीं पे स्टॉप करेंगे वीडियो को, प्रॉफिट के साथ लैंड करेंगे, बट स्ट्रैटेजी जो है इसके ऊपर मैं ज़रूर एक और वीडियो लेके आऊँगा। द थिंग इज़ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो अभी बता देता हूँ दोस्तों, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होना है तो अभी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि अगर वहाँ पे ज्वाइन नहीं होते ना तो बहुत कुछ चीज़ें जो है वो आप मिस करोगे। और एक बात यार, लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल पे नए हो ना तो बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब करके चले जाओ, और यार एक और जिस प्यारी सी कमेंट कर देना #technicalavi के साथ। कैसे यार मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।